ये जो हम मोडालिटी सीख रहे हैं वो 10 महाविद्याओं में से जो दो महादेवियां हैं, काली माता और बगलामुखी माता, हम उनके डिटेलिंग करेंगे इसमें। यहाँ पर उनकी सिंबल सीखेंगे, उनकी इन्वोकेशंस सीखेंगे बेसिकली, और उनकी एनर्जीज के थ्रू हम हीलिंग सीखेंगे। ठीक है, ये डॉक्टर एस के सैनी ने ही बनाई है, जिन्होंने लामा फेरा पद्धति बनाई है, योग माया बनाया है, शाल्विक मंत्र रहस्य बनाया है। ठीक है, बनाया है मतलब उसको कहना चाहिए सब दूर से इकट्ठा करके एक बहुत सुंदर और सिंप्लीफाई वे में हम लोगों तक पहुंचाया है, ये कहना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें हमारी वेदों में ऑलरेडी है। अब ये जो होती है ये क्या करती है बेसिकली, इट इज एन अवेकनिंग टेक्निक, आपकी स्पिरिचुअलिटी को अवेकन करती है। वो कैसे करती है, जब आपको अपने जन्म लेने के तथ्य को समझ में आ जाए, अपने कर्मों को समझ में आ जाए कि आप क्या कर्म कर रहे हो, कैसे कर्म कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, है ना, या आपके कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके साथ चली आ रही हैं, कई जन्मों से चली आ रही हैं, और आप जब उन कर्मास को खत्म करना चाहते हो, तब हमको स्पिरिचुअल अवेकनिंग आती है, हमें समझ आती है, अवेयरनेस आती है। तो यहाँ पर ये मोडेलिटी आपको वो सब चीजें समझाएगी, और वो अपने आप जैसे अट्यूनमेंट्स होंगे उसमें आपको अपने आप अवेकनिंग आ जाती है कि आपको आगे क्या करना है, क्लैरिटीज आने लगती है। ठीक है, हुंकारा, जो हुंकारविद हलीम है, ये बहुत ही सिंपल एफिशिएंट और फास्ट टेक्निक है जो ह्यूमन के ब्रेन सेल पे डायरेक्ट काम करती है, आपकी मेमोरी को की कैपेसिटी को बढ़ाती है, आपकी जो एनर्जीज हैं उनको एक चैनल देती है प्रॉपर, जैसे आपके अंदर एनर्जीज तो आ रही है लेकिन सही तरीके से चैनलिंग भी तो होनी चाहिए, जरूरी है ना। जब बिजली कड़कती है तो घरों के ऊपर क्या बोलते हैं उसको, अर्थिंग के वायर्स लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं, अगर एनर्जी फुल फोर्स से आपके ऊपर आएगी और अगर अर्थिंग के वायर नहीं होंगे तो क्या होगा, डिस्ट्रक्शन, राइट। तो उसी तरह से एनर्जीज जो आती हैं, हम जनरली क्या करते हैं, डिवाइन से एनर्जीज लेते हैं, आसमान से लेते हैं, यूनिवर्स से लेते हैं, एक ये हमारा नेचुरल प्रोसेस है ना काम करने का एनर्जीज के साथ, डिवाइन से एनर्जी, लेकिन उसको चैनल करना भी जरूरी है। अगर आप उसको चैनल नहीं करोगे तो वो डिस्ट्रक्शन मोड में चली जाएगी, क्योंकि वो उसका बहाव तो इतना तेज होता है कि हम आम इंसानों के लिए संभालना बहुत मुश्किल होता है, राइट। तो ये चीजों को, मेमोरी कैपेसिटी, ब्रेन सेल्स की कैपेसिटी, आपके एनर्जीज को चैनल करना, और जो मुश्किल से मुश्किल टास्क है वो आपके जब चैनल हो जाती है ना एनर्जी, तो बहुत इजी हो जाते हैं सारे काम आपके। ओके, जितनी भी नेगेटिव हार्मफुल एनर्जीज हैं वो क्लियर अप हो जाती हैं, अनवांटेड कॉर्ड्स और अटैचमेंट्स कट जाते हैं, ब्रह्म नाड़ी आपकी एक्टिवेट होती है, वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अभी यहाँ फिर बताएंगे, आपकी प्राणा एनर्जी को बूस्ट मिलता है। ओके, आपके टारगेट्स और आपके जो गोल्स हैं जिनको आपने मैनिफेस्ट किया है, आप उन्हें पूरा कर सकते हैं। ओके, चलिए इसके बेनिफिट्स मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। टारगेट्स अचीव करना, इंक्रीज फोकस और कंसंट्रेशन को करना, रिलेशनशिप में हार्मनी लाना और पीस लाना, जितनी भी डिजीजेस हैं उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन खड़ा करना, मेंटल स्ट्रेस को नॉर्मलाइज करना, रिजॉल्विंग योर प्रॉब्लम्स, बिजनेस, लीगल मैटर्स एंड कामिंग डाउन योर एनिमीज, क्लीनिंग योर ऑरा, रिमूविंग स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, एक्टिवेशन, एक्टिवेटिंग द ब्रह्म नाड़ी, देन क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, ब्रेन कैपेसिटी को बढ़ाना, स्लो लर्नर्स के लिए ये मोडेलिटी बहुत फायदेमंद है, देन स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, चार्टेड अकाउंटेंट्स, बैंकर्स, एमबीएस, एनालिसिस, आईटी प्रोफेशनल, साइंटिस्ट भी आता है इसमें, बिजनेस ओनर्स, पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड अदर नीडिंग हाई मेंटल एबिलिटीज, जिन लोगों को भी दिमाग का ज्यादा काम है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लेबर्स, लेकिन लेबर्स का भी माइंड बहुत शार्प होता है, उनको पता होता है उनका काम में कैसे हाथ साधा हुआ है, वहां पर भी दिमाग चाहिए ना सीखने के लिए भी। तो एवरी वन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ यू नीड योर मेंटल एबिलिटीज टू बी एक्सपैंडेड, है ना, तो वहां ये सब काम आता है। एल्डरलीज की मेमोरी कैपेसिटी बहुत अच्छी हो जाती है, इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल से बढ़ती है। ठीक है, नाउ हम्म।